वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज प्रकाश महंत एंड यू आर वाचिंग पीएम्स फोटोग्राफी। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ द ऑल न्यू टोयोटा ग्लांजा के बारे में, जो कि सेम एज मारुति सुजुकी नेक्सा बलेनो की तरह है। तो आज आपको इस गाड़ी के बारे में सारी डिटेल्स इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आज का वीडियो आपके किसी काम आता है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूँगा और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मैं वहाँ पर भी ऑटोमोबाइल्स की अपडेट्स देता रहता हूँ, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, सर्च करें प्रकाश महंत। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो ग्लांजा आ रही है सिर्फ दो वेरिएंट में, एक है बेस वेरिएंट जिसे कि जी नाम से जाना जाएगा और दूसरा आएगा टॉप वेरिएंट जिसे कि वी नाम से जाना जाएगा। और ये गाड़ी आपको डीजल इंजन में नहीं मिलेगी, ये गाड़ी आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिलेगी, जो कि आपने बलेनो में देखा है 1.2 लीटर का के सीरीज पेट्रोल इंजन। और इस बार जो आपको पेट्रोल इंजन मिलेगा वो BS6 कंप्लाइंट इंजन रहेगा। सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस मारुति की जगह इसमें आपको टोयोटा का बैजिंग देखने को मिलेगा, जैसे कि इसके अलॉय व्हील में आपको टोयोटा की बैजिंग देखने को मिलेगी रियर पे, और बलेनो की जगह ग्लांजा लिखा होगा और वेरिएंट की बैजिंग रहेगी रियर प्रोफाइल में। और फ्रंट प्रोफाइल भी सेम रहेगा, बस वो ग्रिल पर भी इसमें जो टोयोटा की बैजिंग दी जाएगी। और इंटीरियर में जैसा बलेनो था वैसा ही इसमें आपको इंटीरियर मिलेगा, बस जो इसका म्यूज़िक सिस्टम मिलता है और जो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वहाँ पर आपको टोयोटा का साइन देखने को मिलेगा मारुति के साइन के बजाय, और बाकी सारी चीज़ें तो इसमें सेम ही मिलेंगी। तो अब बात करें इस गाड़ी के प्राइसिंग की, तो आपको जो बलेनो में आपको बेस मॉडल सिग्मा और उससे एक ऊपर डेल्टा मॉडल मिलता था वो इसमें आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो डेल्टा की एक्चुअल प्राइसिंग पड़ती थी उस प्राइस पे आपको इसमें जो बलेनो जीटा मॉडल मिलता था सेकंड टॉप वो इसमें आपको मिल जाएगा, जो कि इसका बहुत ही बढ़िया इसमें जो प्राइस रेट रखा गया है वो है। और जो आपको इसमें जो वी वेरियंट है टॉप मॉडल वो आपको जो बलेनो में अल्फ़ा मिलती थी वो मिलेगी। तो जो इसमें जो जीटा वेरिएंट का जो प्राइस है एक्स शोरूम वो है 7.2 लाख रुपीज़, जिसे कि जी नाम से जाना जाएगा टोयोटा में। और जो बलेनो में अल्फ़ा वेरिएंट आता था उसे टोयोटा में वी नाम से जाना जाएगा। और वी वेरिएंट की जो एक्स शोरूम प्राइस है जो कि टॉप मॉडल है वो है 7.50 लाख रुपीज़ का। और अगर आप इसमें जी वेरिएंट में ऑटोमेटिक लेते हैं तो वो आपको पड़ेगा 8,30,000 रुपये का। और अगर आप टोयोटा ग्लांजा में टॉप मॉडल में ऑटोमेटिक लेते हैं तो आपको पड़ेगा 8,90,000 रुपये का। देखिए मैं एक बार और ध्यान से बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जो आपको बलेनो में जीटा मॉडल मिलती थी वो आपको टोयोटा ग्लांजा में मिलेगी जी वेरिएंट में, और जो आपको बलेनो में अल्फा मॉडल मिलता था टॉप मॉडल वो आपको ग्लांजा में मिलेगा वी वेरिएंट में। और इसमें जो ऑटोमेटिक आपको मिलेगा वो है CVT कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, जो कि बहुत ही बढ़िया गियर शिफ्टिंग करता है। जैसे कि स्पोर्ट्स कार में गियर शिफ्टिंग होता है एकदम तुरंत, वैसे ही इसमें गियर शिफ्टिंग होगा और उसमें आपको जर्क महसूस नहीं होगा, और गाड़ी में गियर चेंज हो रहे हैं ये भी चीज़ आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगी। तो आपको काफ़ी इसमें लग्जूरियस ड्राइव करने को मिलेगा, क्योंकि इसमें गियर चेंजेस का आपको एहसास होगा ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बिना गियर वाली गाड़ी चला रहे हैं। और इसमें क्लच तो होगा नहीं क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, और इसमें लेंथ विड्थ हाइट और व्हील बेस और टर्निंग रेडियस सारी चीज़ें इसमें सेम ही रहेंगी। और इसका जो वेट में बस थोड़े से डिफरेंस आएंगे, पहले के मुताबिक अभी 20 या 30 किलो इसमें आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और जो इसका साइड प्रोफाइल और बाकी प्रोफाइल के बारे में बता ही चुका हूँ, वो सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी, बस टोयोटा की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएंगे। और एक और चीज़ बता दूँ आपको, बलेनो में 2 साल या 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती थी, और आपको टोयोटा ग्लांजा में 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर्स की वारंटी मिला करेगी। अब बात करें इस गाड़ी के इंजन सेक्शन की, तो इसमें जो आपने बलेनो में देखा होगा 1.2 लीटर के सीरीज़ वाला पेट्रोल इंजन, वही पेट्रोल इंजन इसमें आपको मिलेगा, लेकिन इसमें आपको साथ ही साथ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलेंगी। मतलब कि आपको इसमें एक छोटा सा जो लिथियम आयन बैटरी आता है वो आपको इसमें कनेक्टेड मिलेगा, जिसकी वजह से आपको माइलेज पहले से थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा। तो जो ग्लांजा पेट्रोल मैनुअल का मॉडल है उसमें जो माइलेज है वो है 23.87 किलोमीटर पर लीटर का, और जो ग्लांजा का जो ऑटोमेटिक मॉडल है उसमें आपको माइलेज मिलेगा 19.63 किलोमीटर पर लीटर का। और एक बार मैं फिर से बता दूँ, इसमें आपको कोई भी जो ग्लांजा है उसमें कोई भी आपको डीजल वेरिएंट नहीं मिलेगा, डीजल वेरिएंट आपको सिर्फ बलेनो में मिलेगा। और टोयोटा ग्लांजा में एक चीज़ आपको और बेहतरीन मिलेगी, वो है इसका सेफ्टी फीचर। आपको बलेनो में वो नहीं मिलती जो ग्लांजा में मिलती है, जो कि सेफ्टी फीचर है ब्रेक असिस्ट, ये आपको सिर्फ ग्लांजा में मिलेंगी।
हो सकता है आज का वीडियो आपके किसी काम आया होगा। अगर काम आया होगा तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जैसे ही मुझे टोयोटा ग्लांजा मिलेगी मैं उसका रिव्यू करके अपने चैनल पर डाल दूँगा, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल PM's फोटोग्राफी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।